वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा जी, देख लें, ये कबूतर आके बैठा है जी। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही है जी, तो जिसकी वजह से ये किसी का कबूतर आके बैठा है। तो अभी इसको पकड़ने हैं जी, पकड़ के आपको इसका शौक कराते हैं जी। तो ये ले जी, इसको भी अंदर करने लगे हैं जी। खुद तो ये नीचे नहीं आएगा, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अंदर करते हैं जी, अगर पकड़ा आ गया तो। ले दोस्तों, जाल पे उतर आया। ये अंदर चला गया था लेकिन बाहर निकल गया, उड़ गया। ये नीचे वाले फट्टों के ऊपर बैठ गया, उड़ने ही लगा था लेकिन फिर बैठ ही गया। लें दोस्तों, उड़ के फिर ही फट्टों के ऊपर ही बैठ गए नीचे वाले। तो इसे नीचे उतारते हैं तो फिर आपको इसका शौक कराते हैं। लें जी, उतरने पे आई थी लेकिन उतरी नहीं है अभी नीचे। ये लगता खुद ही नीचे उतरेगी, छत पर आने की कोशिश तो कर रही है। लें दोस्तों, खुड्डे के ऊपर उतर आई है। हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से ये उड़ती है तो फिर बैठ तो जाती है। अगर ऊंची थोड़ी सी होगी तो फिर निकल जाएगी। ये छत पर कुछ कबूतर फेर रहे हैं, वो ऊपर ही दाना खा रही है। ये देखें जी, ये फिर उड़ के जाल पर बैठ गया। आगे भी अब जाल के ऊपर था लेकिन नीचे वाले फट्टों पे आ गया, अब फिर बैठ तो गया है। ये जा रहा फिर। लें जी, चला गया जाल के अंदर। तो इसको बाहर निकाल के फिर आपको इसका शौक भी कराते हैं जी। कबूतर जो पकड़ा है अभी, तो इसको परछा देखेंगे। हवा वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ है जी। ये इसके दम जी, ये इसको कलर लगा हुआ जामुन। इसके पंजे, देख लेंगे मादी की जी।
ये है इसकी आँख, क्लियर हो गई है। ये पूरी मादी ठीक है जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।